नमस्कार दोस्तों, मैं जाहिदुल इस्लाम, मेरे चैनल डिजिटल पाठशाला में आप लोग सभी को स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे कि हम लोग का जो ब्लॉग है, ब्लॉग या तो वेब पेज या तो कोई भी वेबसाइट का जो पीए होता है, डीए होता है, मतलब पेज अथॉरिटी एंड डोमेन अथॉरिटी, वो कैसे चेक करते हैं, तो और वो भी हम लोग कैसे फ्री में चेक कर पाएंगे, उसके विषय में हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मैं आप लोगों के पास एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो थैंक्स फॉर दैट, अदरवाइज प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। एंड अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर करना मत भूलिए और लाइक करना मत भूलिए। तो दोस्तों, फ्री में हम लोग पेज अथॉरिटी एंड डोमेन अथॉरिटी चेक करने के लिए हम लोगों को जाना होगा google.com में। तो मैं google.com में आ गया, तो यहाँ पे आके हम लोगों को सर्च करना है PADA सेकर। तो PADA सेकर जब सर्च करेंगे तब नीचे कुछ लिंक्स वगैरह आ जाएंगे, तो इन लिंकों में कहीं पर भी हम लोग अपना ब्लॉग या तो वेबसाइट का पेज अथॉरिटी एंड डोमेन अथॉरिटी चेक कर पाते हैं। तो मैंने एक लिंक ओपन किया है, अभी ओपन हो रहा है। तो देखिए, मैंने जो लिंक ओपन किया है smallseotools.com, तो यहाँ पर कोई भी वेबसाइट या तो कोई भी ब्लॉग का जो पेज अथॉरिटी होता है या तो डोमेन अथॉरिटी होता है, वो हम लोग फ्री में चेक कर पाएंगे। और यहाँ पे हम लोग वेब पेज के साथ जुड़े हुए जो लिंक्स होते हैं उसका भी चेक कर पाते हैं। और ये जो टूल्स है smallseo टूल, यहाँ पर हम लोग SEO के हेल्प होने के लिए कुछ और भी काम कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग प्लेगरिज्म यहाँ पे हम लोग चेक कर पाते हैं कि हम लोग जो भी ब्लॉग पोस्ट लिख रहे हैं या तो टॉपिक्स लिख रहे हैं या आर्टिकल लिख रहे हैं हम लोग हमारा अपना ब्लॉग के लिए, तो वो प्लेगरिज्म है कि नहीं है, वो भी हम लोग यहाँ पे चेक कर पाएंगे। तो खैर, चलिए हम लोग देखेंगे कि पेज अथॉरिटी एंड डोमेन अथॉरिटी यहाँ पे कैसे चेक किया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि यहाँ पे एक बॉक्स दिया हुआ है, एंटर डोमेन विथ HTTP बोल के लिखा हुआ है। तो ये बॉक्स में हम लोगों को जो भी वेबसाइट या तो वेब पेज का PADA चेक करना होता है, उस वेबसाइट का PADA चेक करने के लिए वेबसाइट का जो लिंक है, लिंक हम लोगों को HTTP के साथ यहाँ पे डालना होगा। तो मैं एक वेब पेज का लिंक यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ, मतलब सॉरी टाइप कर रहा हूँ। ये करने के बाद आप लोगों को नीचे आना होगा, नीचे आप लोगों को दिखाई देगा और एक जो बटन है ये दिखाई देगा चेक अथॉरिटी। तो यहाँ पर अभी हम लोगों को करना होगा अभी क्लिक। तो मैं अभी यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, तो ये साइट में कुछ प्रॉब्लम शायद होगा या तो मेरे नेट में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, तो मैं एक दूसरा साइट में जाकर चेक करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे प्रोसेस यही है कि हम लोग अपना वेबसाइट का लिंक यहाँ पे हम लोग डालेंगे, यहाँ पे हम लोग डालेंगे और उसके बाद नीचे चेक अथॉरिटी ये ऑप्शन पे हम लोग क्लिक करेंगे।
तो काफ़ी टाइम लगा रहा है, यहाँ पे नहीं हो रहा है, तो हम लोग दूसरा एक पेज ओपन किया है, उसमें हम लोग अपना ब्लॉग या तो हाँ लिंक का डोमेन अथॉरिटी से करेंगे। तो यही जो पेज है इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पर भी एक बॉक्स जैसा दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, यहाँ पे देखिए ये वाला जो बॉक्स है, तो यहाँ पे हम लोगों को वो वाला डोमेन नेम यहाँ पे डालना है। तो मैं वही जो डोमेन पहले डाला था उसको मैं यहाँ पे लेके आ रहा हूँ। तो ये वाला मैं यहाँ पे फिर से दे दिया, और उसके नीचे देखिए आई एम नॉट ए रोबोट बोल के एक चेक मार्क आया हुआ है यहाँ पे, ये वाला। तो यहाँ पे हम लोगों को आई एम नॉट ए रोबोट यहाँ पे चेक मार्क को एक देना होगा। तो उसके बाद चेक मार्क कंप्लीट होने के बाद उसके नीचे हम लोगों को चेक बोल के एक ऑप्शन मिलेगा। तो ये ऑलरेडी आई एम नॉट ए रोबोट ये चेकअप कंप्लीट हो चुका है। तो उसके नीचे वाला देखिए ये यहाँ पे और एक ऑप्शन है चेक बटन, तो ये बटन को हम लोगों को क्लिक करना होगा। तो अभी हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं, और देखते हैं कि हम लोगों का जो ब्लॉग है या तो लिंक है, तो आप लोग देख पा रहे हो फ्रेंड्स कि यहाँ पे ऑलरेडी शो कर चुका है यहाँ पे। हाँ, तो ये जो वेब पेज है, ये जो ब्लॉग है, इसका DA दैट मीन्स डोमेन अथॉरिटी 9 दिखा रहा है, पेज अथॉरिटी 15 दिखा रहा है, टोटल बैकलिंक से क्वालिटी बैकलिंक पास, क्वालिटी बैकलिंक का जो परसेंटेज है वो यहाँ पे शो हो रहा है 83%, मोस्ट ट्रस्ट जो होता है मोस्ट ट्रस्ट टोटल 10 होता है, 10 में से 2 मिला है ये वेब पेज को। तो ऐसे करके हम लोग कोई भी वेब पेज हो कोई भी ब्लॉग हो उसका हम लोग PATA फ्री में चेक कर सकते हैं। और ये वाला जो पहले वाला जो स्मॉल एसईओ टूल्स .com मैंने खोला था, यहाँ पर भी चेक हो रहा होता है, लेकिन शायद कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से यहाँ पे नहीं हो रहा है। तो दोस्तों आप लोग शायद समझ में आप लोगों को आ चुका होगा कि हम लोग कैसे अपना ब्लॉग या तो वेबसाइट का पेज रैंक और पेज अथॉरिटी यहाँ पे डोमेन अथॉरिटी यहाँ पे चेक करते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। अगर आप लोग चाहते हो कि फ्री में हम लोग ना करें, तो हम लोगों के पास और भी ऑप्शन हैं पेड वर्जन में, जैसे कि एक हो गया आपका arif.com, यहाँ पे arif का जो टूल है ये पेड एक टूल है, आप लोग अगर चेक करना चाहते हो तो यहाँ पे जाके आप 7 days का एक ट्रायल भी मिलता है, 7 days का ट्रायल वर्जन जो यहाँ पे $7 में आप लोग ले सकते हो। $7 में लेके आप लोग यहाँ पे पेज वर्जन में भी आप लोगों का जो ब्लॉग है उसका डोमेन अथॉरिटी पेज अथॉरिटी और भी बहुत सारे कुछ चेक कर पाएंगे। तो दोस्तों आज मैंने आप लोगों के साथ जो टॉपिक के बारे में डिस्कस किया, टॉपिक था डोमेन अथॉरिटी हम लोग या तो पेज अथॉरिटी फ्री में कैसे चेक कर पाते हैं। तो ऑलरेडी आप लोग समझ चुके होंगे कि कैसे डोमेन अथॉरिटी एंड पेज अथॉरिटी चेक करते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो पहले से मैं एक बार दोबारा बोलना चाहूँगा कि कैसे आप लोग इसको चेक कर पाएंगे। तो उसके लिए पहले आप लोगों को जाना होगा गूगल में, और वहाँ पे आप लोगों को टाइप करना होगा PADA सेकर। आप लोग दूसरा कोई कीवर्ड भी यूज़ कर सकते हो। तो उसके बाद आप लोगों को कुछ लिंक दिया जाएगा, बहुत सारे लिंक होंगे, उसमें से ऊपर का 2, 3, 4, 5 जो लिंक है कोई भी एक लिंक पे आप लोग चले जाइए, और उसके बाद आप लोगों का जो ब्लॉग जिसका डोमेन अथॉरिटी चेक करना होता है उसका लिंक HTTP के साथ टाइप कीजिए, और उसके बाद
आप लोग चेक कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और आप लोगों के दोस्तों के साथ शेयर भी करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।